एक और वर्ग है, एक और वर्ग है। यहां मुझे चार पांच छह महिलाएं सामने दिख रही हैं, मगर होना क्या चाहिए, मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब एआईसीसी का सेशन हो और अगर मैं इधर देखूं तो महिलाएं दिखाई दें। 50% इस देश का पॉपुलेशन महिला है और मैं चाहता हूं कि आधा कमरा महिलाओं से भरा हो, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की बात चल रही है वो पूरी हो, और मैं चाहता हूं, अच्छा सुनो सुनो, कांग्रेस पार्टी में जहां भी प्रदेशों में सरकार है आने वाले समय में 50% में महिलाएं चीफ मिनिस्टर। यूपी में मैंने काम किया, यूपी में मैंने काम किया महिलाओं के साथ, एक संस्था चलाता हूं और उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे बहुत बातें सिखाई, उनसे मैं बहुत सीखता हूं, मगर एक गहरी बात उन्होंने मुझे सिखाई और ये मेरे दिल में बहुत गहरे तरीके से घुस गई। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए राहुल जी, जब तक इस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होगी, जब तक इस देश में महिलाओं को शक्ति नहीं दी जाएगी, तब तक ये देश अपने पैरों पे कभी नहीं खड़ा हो सकता है। तो इस देश में जो महिलाएं हैं, आप भी सुन लो, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपको शक्ति देगी और आपकी इज्जत करेगी। सिर्फ भाषणों में नहीं, दिल से अंदर से हम आपकी मदद करेंगे। अगले 3 महीनों में क्या करना है, अगले 3 महीनों में क्या करना है? मैंने आपसे भ्रष्टाचार की बात की, लोकपाल बिल लाए, आरटीआई लाए, 6 बिल है पार्लियामेंट में, पूरा दम लगा दो, पास करवाना है, हिंदुस्तान के लिए पास कराना है। और मैं आपको बता दूं विपक्ष के लोग नहीं करना चाहते, जब भी हम ये बात उठाते हैं उस साइड से शांति होती है, कुछ सुनाई नहीं देता है, ये नहीं कराना चाहते हैं। खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, इन 6 बिलों को आप पास करो। दूसरी बात, महंगाई की बात, यहां हमें कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, पहले भी मैंने आपसे बात की है और आपने आश्वासन दिया कि आप महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, एपीएमसी से सब्जियों को डीलिंग करोगे, वो काम शुरू है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशों में आप देखना जनता को फायदा हो, हरियाणा में शुरू हो गया है, मैं जानता हूं सब्जियों की के दाम गिर गए हैं। मगर एक और बात है जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि यह बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में, आप जानते हो किस चीज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है, प्रधानमंत्री जी 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए, कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अच्छा चलिए सेकंड, अब मैं थोड़ा विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं, नहीं मजेदार बात है, ठहर जाओ, अब मैं मजेदार बात बोलना चाहता हूं, विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, आपके सामने विपक्ष खड़ा है और विपक्ष के लोग ऐसे हैं हमारे जैसे नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये आप देखिए पीछे देखिए, ये लोग खड़े, ये फोटो लगी हुई, ये इनकी पार्टी, गांधी जी की फोटो है, बड़े बड़े लोगों की फोटो, ये सच्चे लोग, ये सच बोलते थे, इनके दिल में सच्चाई थी। आपके जो
ऑपोजिशन के लोग हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंघे बेच डालेंगे। ठीक है, अब नए लोग, अब नए लोग आए हैं, नहीं 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 सुनो सुनो, अब नए लोग आए हैं, अब नए लोग आए हैं, अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंघे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं, इन्होंने इन्होंने हेयरकट शुरू कर दिए, ये गंजों को हेयरकट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं, गंजों को हेयरकट देने के लिए भैया आइए हेयरकट लाएं। देखिए इनके बातों में मत आइए, आप सच्चाई की बात करिए, आप इन लोगों की बात करिए। हमने आपको औजार दिए हैं, हथियार दिए हैं, क्या हथियार है? आरटीआई, लोकपाल बिल है, भोजन का अधिकार है, नरेगा है, नरेगा है, कर्जा माफी किया, ये सब आपके औजार हैं। और आपके दिल में सच्चाई है, आप जाइए गांव में, जाइए गांव गांव में, जाइए शहरों में, जाइए कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों को बताइए, बताइए कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है, आपको शक्ति दे रही है, पावर आपको दे रही है, ये आप कीजिए। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये गहरी बात है, तो थोड़ी शांति चाहिए मुझे, गहरी बात है, सुनो। देखिए ये पार्टी जो है, एक सेकंड, थोड़ी गहरी बात है, सुनो। विपक्ष ने कहा कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो, विपक्ष कहता है। मगर विपक्ष के लोग हिंदुस्तान के इतिहास को नहीं जानते, विपक्ष के लोग हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ते, विपक्ष के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को निकालो, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी है क्या? मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप इस बात को समझते हो, कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है, ये सोच हमारे दिल में है, और ये सोच क्या है? ये सोच क्या है? ये सोच है भाईचारे की सोच, प्रेम की सोच, इज्जत की सोच, ये है कांग्रेस पार्टी। और ये बात सुन लो, मैं विपक्षियों से कह रहा हूं, ये बात सुन लो और समझ लो, ये कांग्रेस पार्टी की सोच नई नहीं है, ये 3000 साल से चली आ रही है। ये सोच अगर आप हमारी किताबें पढ़ें, अगर आप गीता पढ़ें, अगर आप महाभारत पढ़ें, तो उन किताबों में ये सोच है। अगर आप इतिहास को देखें, तो अशोक में ये सोच थी, अशोक में ये सोच थी, गुरु नानक में ये सोच थी, अकबर में ये सोच थी, गांधी जी में ये सोच थी, इन लोगों में ये सोच थी, आप में ये सोच है, और मुझ में ये सोच है, और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच है। और एक और बात अच्छी तरह सुन लो, ये सोच 3000 साल से हिंदुस्तान में नहीं मिटी है, और आप इस सोच को नहीं मिटा सकते हो, और जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, वो अपने आप मिट गया, वो अपने आप मिट गया। अब बात आई प्रधानमंत्री की, अब बात आई प्रधानमंत्री की, मैं बोलना चाहता हूं, देखिए अब बात आई प्रधानमंत्री की। आजकल अखबारों में,
सब कुछ होता है, मगर अगर आप हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक काम करते हैं। चुनाव में हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखना युवाओं को चुना होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे, मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं आपका एक सिपाही हूं, जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो मैं करने को तैयार हूं, आप कहो और मैं करने को तैयार हूं, चाहे वो कुछ भी हो। अब सुनो, नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक।